अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम, जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान और सांसद अनुप्रिया पटेल मौजूद। किसानों के साथ मंत्रियों ने भी पीएम के संबोधन को सुना। मिर्जापुर के 96 ब्लॉक मुख्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसान संवाद व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर लकी ड्रॉ के तहत जिले के 2 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी गई। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन किसानों ने एलईडी के माध्यम से सुना। पीएम के संबोधन के दौरान किसानों के साथ साथ जनपद के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान और एनडीए में सहयोगी पार्टी अपना दल की जनपद से अपना दल की जनपद से सांसद अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि देश के किसानों की खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी आमदनी दूनी करने के लिए प्रयासरत है। किसानों के समस्याओं का समाधान करने के बाद ही उनकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। मिट्टी की जाँच के लिए हेल्थ कार्ड बनाने समेत कई योजनाएं शुरू की गई है। मोदी जी का मानना है कि किसानों की खुशहाली की पैच मोदी जी का मानना है कि किसानों की खुशहाली ही देश की खुशहाली है। वहीं सांसद अनुप्रिया पटेल ने इस दौरान कहा कि देश के विकास के लिए किसानों का विकास आवश्यक है। इनको क्या किया जा रहा है? आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के अवसर पर, जो किसान सम्मान दिवस के अवसर पर, आज इस देश के प्रधानमंत्री जी आज सभी लोगों से रूबरू होकर सबसे बात करेंगे। आज इस कार्यक्रम में मिर्जापुर में हमारे सांसद जी, विधायक जी, सभी लोग मौजूद हैं। इनके सामने इस मिर्जापुर के तमाम किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी गई, लोगों को मछुआ आवास दिया गया, बहुत सारी योजनाओं को लाभान्वित किया गया, सबको चाबी दी गई, प्रमाण पत्र दिए गए, चेक दिए गए। और चूँकि देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है इस देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, जब तक देश के किसानों की आय दोगुना नहीं होगी तो तब तक भारत सशक्त भारत नहीं बन सकता है। क्योंकि देश की 70% आबादी जो गांव में बसती है, जो गरीब बेवस लोग हैं, इनके लिए कोई पूछने वाला नहीं था। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां एक तरफ नारा दिया इस देश के किसानों की आय दुगुना करने के लिए, तो जब तक किसान स्वस्थ नहीं रहेगा, उसकी ज़मीन स्वस्थ नहीं रहेगी, इसके लिए उसकी मिट्टी की जाँच के लिए भी हेल्थ कार्ड बनाया गया कि किसान समझ पाए कि हमारी कैसे ज़मीन है, किस किस्म की है, किस तरीके की खाद, DAP, यूरिया, नाइट्रोजन की कमी क्या है, क्या इसकी आवश्यकता है। सब पूरा करने के बाद तब जाके किसान अपनी आय को दोगुना कर सकता है। ऐसे अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इस पूरे मिर्जापुर और पूरे प्रदेश के किसानों को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नई नई किसानों की योजनाएँ बनी, आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में वह योजनाओं जमीन पे फलीभूत हो रही है और पूरे प्रदेश का किसान खुशहाल है। सर, 30 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आप लोग किसानों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कहाँ पे फेल हो रहे हैं कि अभी तक आंदोलन समाप्त नहीं पा रहा किसानों? तो देखिए, इस देश में एक डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसमें किसान है, नौजवान है, हर लोगों को अपनी बात रखने का, करने का अधिकार है। वो किसान भी हमारे परिवार के हैं और पूरी तरीके से हमारी सरकार, माने प्रधानमंत्री जी, पूरी सरकार किसानों के साथ सहानुभूत रखती है और किसानों के हित में बात करती है। और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के किसानों का कोई अहित होने वाला नहीं है, उनके हित में फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, जा रहा है आप लोग की तरफ से, और किसानों क्या कहेंगे आज? और निश्चित करो, जय जवान जय किसान के आगे जय विज्ञान जोड़ने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुशासन दिवस पर किसानों के कल्याण की चिंता की है और आज के दिन देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। हमारे जनपद के किसान भी आज के इस अवसर पर तमाम योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। हमारी मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत 2 किसानों को लकी ड्रॉ में ट्रैक्टर उपहार स्वरूप मिला है।
जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं उनको 1,21,00,000 का बैंक के ऋण का चेक उपलब्ध कराया गया है। साथ ही में जो हमारे स्वच्छ भारत अभियान के तहत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत शौचालय बनाए गए हैं उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी हमारी माताओं बहनों को दी गई है। और हमारे मछुआ समुदाय के जो लोग हैं उनको मछुआ आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए के 30 वर्ग मीटर के आवास की चाबी सौंपी गई। तो इन तमाम योजनाओं से आज किसान भाई लाभान्वित हुए। ठीक, थैंक यू। दस्तक भारत के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।